नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल के दिन हमने ब्लॉग एंड कर दिया था, जहाँ से घर की साफ सफाई के बाद से। उसके बाद दोपहर में कुछ काम नहीं हुआ था और अब हो गई है हल्की सी शाम, तो यहाँ पे सजावट होने लगी है। तो यही जगह हमें थोड़ा सा सही लगा कि थोड़ा सा खुला मैदान भी है हो और रही है खाली गाइस जगह भी है। हाँ तैयारी। इधर पे आए हैं चच्चू और बॉबी भैया बना और ये रहे कहाँ है गुब्बारे और ये रहा छोटा भैया। दोस्तों, आपको आज एक और सच्चाई पता लगेगी। आगे ब्लॉग में देखिएगा कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ से, तो ये आपको आज पता लग तो जाएगा। दोस्तों समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि कैसे सजाएं, लेकिन देख लीजिए ये हुई है सजावट। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा सजा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बर्थडे के लिए हम तैयार हो गए हैं और ये है मेरी जिठानी जी। हाय, ये मेरी जिठानी जी हैं। जेठ जी की शादी बाद में हुई, पहले मेरी जी। हो गई। हाँ, ये जो भी बोल रहे सच बोल रहे हाँ। और जहाँ से मैं हूँ ये भी वहीं से है, इस चीज की बस बहुत हम लोग खुशी बिहार है। की हैं। तो चलते हैं बाहर, सब लोग इंतजार कर रहे हैं और देखे बाहर क्या हो रहा है। तो ये आ गई हैं चाची जी, सासू माँ जी। चलो चलो बुलाने आई हैं, चलिए चलते हैं बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ हो गई थी, मैं भी तैयार हो गई हूँ और सभी लोग आ भी गए हैं, लेकिन दोस्तों अम्मा पापा नहीं आए हैं और वो क्योंकि अब कुछ काम था इसकी वजह से नहीं आए। हमने बुला हुआ मतलब भेजा था लेकिन आ नहीं पाए हैं, उनकी जगह संतू आ पाया है देवर। और दोस्तों ये देख लीजिए केक है, बढ़िया सा केक मंगवा लिया है। सारे लोग लगभग आ चुके हैं, आस्था के फ्रेंड सारे आ गए हैं और जो भी हम मतलब हमारे घर के लोग हैं उन सभी को भी बुला लिया। लो यार, 7 साल को यो लगा साइड में लगा तो बीच में लगा माचिस लगी। तो दोस्तों आस्था पूरी 7 साल की हो चुकी है, अब 7 के बाद का चलने लगेगा इसके। तो यहाँ पे अब हो रही है दोस्तों केक की तैयारी और आस्था देखिए मैंने उसे पहले ही तैयार कर दिया था। 7 साल का जो मोमबत्ती है वो जला रही है इसकी दीदी और सारे बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हैं, सभी सारे ही बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। भागे आप चाची ने कहा गई भागे आप सब से कैंडल ये वाला बस रुक तो लिया भाई ओके और रुक जा आवाज तक केक का दम दे देख फगना में पकने भागे आज हैप्पी बर्थडे बोलो ना टिंका करने लगे अब हो जा केक कट जाने दे केक तो कटवा दे चाची। केक कटाने के बाद चाची कटेगी यही तो कह रही दोस्तों आस्था की दाई नहीं थी, अगर दाई होती तो आस्था के संग केक वही कटवाती। और दाई नहीं थी लेकिन आंटी आई हुई थी और वो सबसे बड़ी थी घर में, तो उन्हीं ने आस्था के हाथ आस्था और उन्होंने केक काटा और मुंह मीठा कराया आस्था का।
और जो हम मेरी जेठानी जी हैं अब वो आ गई हैं देखिए केक खिलाने आस्था को। और मैं देख रही थी कि कैसा वीडियो शूट हो पाता है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे और अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। सभी देखिए जितने भी आस्था के दोस्त हैं सब आस्था को टीका कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं और केक खिला रहे हैं आस्था को। तो बहुत सारे आस्था के गिफ्ट हो गए थे, बहुत सारे गिफ्ट आ गए थे, बच्चों ने ही दिए थे, जितने भी बच्चे आए थे सारे गिफ्ट लेके आए थे। और आंटी जी गिफ्ट लाई थी आस्था की, जो दीदी लगती है उन्होंने गिफ्ट लाई थी, मतलब इतने गिफ्ट हो गए थे। और देखिए इतने सारे लोग हैं, छोटा मोटा सा ऐसा ही हमने बर्थडे मना लिया था, सजावट भी अच्छा कर दिया है। तो ये इसके सारे स्कूल के फ्रेंड हैं, सभी बारी बारी से आके मुंह मीठा करा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को ऐसे देख के। बहुत मरे मरे हुए हैं, 3000 रुपये का मुस्कार लगाए हैं, वो टाइम ले ले सब रे छोटे भैया जगह लगा दिया निकाल के खिला दे, निकाल के गाल का निकाल के खिला दे। ओ छप छप आ दोस्तों, ये है आस्था का छोटा भैया, मेरी जेठानी जी का लड़का है ये। और तो इसने भी देखे केक खिला दिया है, गिफ्ट दे दिया, छोटा है लेकिन चॉकलेट ले आया। अब दोस्तों सभी लोग टीका लगाने के बाद देखिए, अब मैं और आस्था के पापा दोनों ही आस्था की टीका लगा रहे थे आस्था को और आरती कर रहे थे। किलोमीटर दूर साइड 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 वीडियो बन रही है, कैमरा मैन फोकस कर रहा है। खिलाओ खिलाओ लेते बना, मैं नहीं बना तो फिर होशियारी ना दे। करा करा तो यहाँ पे दोस्तों अब जितने लोग आए हैं सभी को समोसा और पेप्सी दी जा रही थी, और उसके बाद केक वगैरह, केक नमकीन बिस्किट जो भी होता है वो देंगे। तो पहले सबके लिए समोसा यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि बच्चे तो थे ही और बड़े भी थे, तो सभी के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है यहाँ। तो अंदर की तरफ केक वगैरह सर्व मतलब लगाया जा रहा है प्लेटों में, और बाहर की तरफ ये समोसे वगैरह प्लेटों में लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे हम सभी लोग काम, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए कोई रह जाए। तो दोस्तों बाहर की तरफ देखिए, यहाँ पे गांव की जो हमने थोड़ी बहुत लेडीजों को बुलाया था, औरतों को जो अपने घर की ही हैं तो उन्हें बुलाया था, सभी लोग समोसा पेप्सी खा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आस्था के पापा के फ्रेंड थे और अपने घर के जितने भी लोग थे वो लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन ये कि इस तरफ थोड़ा सा अंधेरा हो गया है और रोशनी इतनी थी नहीं यहाँ पे, बस ये दिक्कत हो गई। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का माहौल था। यहाँ पे देखिए हम लोग सर्व करने में लगे हुए हैं, परसने में लगे हुए हैं, और अंदर की तरफ जेठानी जी भी आई हैं, तो वो अंदर की तरफ अंदर वाले कमरे में बैठी हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आंटी जी भी लगी हुई हैं हम मदद करवाने। दोस्तों यहाँ पे सभी लोगों का खाना पीना हो गया, जो भी नाश्ता हमने आज का किया था वो नाश्ता सबका हो गया। अब सारे लोग जाने की तैयारी में हैं और फोटो क्लिक हो रही है, सब लोग फोटो खींचने में लगे हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ, अच्छा लगा। लेना नहीं धर लेता, वो काट के मजे से लाएगी। ले मैं रख दे।
तो दोस्तों घर के सभी लोग अब जाने लगे थे, तो वही मैं उन्हें थोड़ा आगे दूर तक मतलब गेट के बाहर तक छोड़ने जा रही हूँ। और घर की हैं सब, जेठानी जी हैं, चाची जी हैं और दो चाची जी और हैं, वो भी हैं। तो मतलब अब हमारा घर दूर है तो वो सब इकट्ठे होके ही जाएंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि दूर है और अंधेरा भी रहता है रास्ते में, तो सब एक साथ चले जाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। साढ़े नौ दोस्तों ये रहा, देखिए सामान, चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है सामान, चलिए इसको ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इतना सारा सामान मिला है। ये देखिए ये है कला और ये है पटरी। तो दोस्तों देखिए यही सब गिफ्ट मिले हैं आस्था को, घड़ी मिली है, कलर्स वगैरह, बुक वगैरह चाची जी ने दिया था। और अब हो गई है दोस्तों सुबह, तो आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही है और मुझे कह रही कि मुझे आज केक ले जाना है स्कूल में, तो मैं वही केक इसके टिफिन में डाल रही हूँ। और अभी सुबह सुबह का बस समय हो रहा, चाय बनाई है मैंने अपने लिए, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा चलो तुम्हारा टिफिन पैक कर देते हैं और उसके बाद फिर मुझे अपनी चाय पीनी है। और रात में दोस्तों बहुत ही टाइम हो गया था सोने में, लगभग 11-12 बज गए थे और रात सुबह हम थोड़ा सा लेट जगे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं करने लगी हूँ रात की जो यहाँ पे सबको पर्स था, समोसे वगैरह, तो सारा सामान यहाँ पे ऐसे ही हमने छोड़ दिया था और हम लोग सो गए थे जाके। और अब जाके सुबह पूरे की सफाई हो रही है और आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही है, तो अपना बैग वैग सब कुछ चीजें पैक कर रही है, क्योंकि जो नए नए चीजें मिले हैं उन सभी को स्कूल में ले जाएगी, सबको दिखाएगी अपने दोस्तों को। तो ये सब है अपना, उसने पूरा फैला रखा है सामान, तो वही मैं कहती हूँ इतना ज्यादा सामान लेके ना जाओ स्कूल। और यही मैं उसका बैग चेक कर रही थी और सारा देखे इसने, सारी चीजें, काफी ज्यादा चीजें अपने बैग में रख ली है ले जाने के लिए। तो दोस्तों लेके चल रही हूँ मैं ठंडा पानी और देखिए काम स्टार्ट हो गया है। आस्था के पापा बिल्कुल अकेले ही मेहनत करने में लगे हुए हैं। ये इतना दीवार देखिए छूट गया था, उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। प्यास लग गई है इन्हें, तो मैं पानी लेके आ गई हूँ। ये रहा पानी, पानी तो आस्था के पापा खुद ही दीवार उठा रहे हैं, क्योंकि मिस्त्री जो थे वो उन्होंने आधा अधूरा छोड़ के चले गए। चले नहीं, भाग गए दिल्ली, भाग गए काम छोड़ के। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से लग गया है हमारा काम और लग गए हैं अपने ही काम में वापस। खाना पीना यहाँ पे बनाने के बाद जितने थोड़े बर्तन थे इन सभी को ले जाऊंगी बाहर धोने के लिए और यहाँ की सफाई फिर से कर दूंगी। और दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा अकेले ही लगे हुए थे और मैं खाना पीना बना रही थी, इसलिए मैं इनकी मदद नहीं करवा पाई थी। और देखिए दो लाइन इन्होंने अकेले ही चलाया है
क्योंकि इन्हें इतना आता भी नहीं है और आज सारा काम इन्हें अकेले ही करना पड़ा है, मतलब सारी ही चीज़ें, ईंटें खुद से रखना और मिट्टी वगैरह का गारा खुद ही बनाना, तो इसके कारण बहुत टाइम भी लग गया इन्हें काम कंप्लीट करने में। तो अब मैं आ गई थी, मैंने कहा मेरा खाना पीना बन गया है, मेरा सारा काम हो गया था, तो मैं इनकी मदद करवाने आ गई। मैंने कहा थोड़ी बहुत हेल्प मैं करवा दूँगी, बस ये था कि धूप अब बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सुबह से अब 11-12 बजे एकदम धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वही बस यही दिक्कत थी कि धूप ज़्यादा हो गया है। वीडियो बंद कर ले भाभी। ठीक है बंद कर लेती हूँ लो। ये देखो बंद कर दी। कमर तो नहीं लचक गई। तो दोस्तों ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था और बर्तन वगैरह देखे मैंने धो लिए हैं, इन्हें भी ले जाके कमरे में रख देते हैं, और आज का काम जो है आस्था के पापा का हो गया है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा धूप हो गया था तो मैंने ही मना कर दिया, मैंने कहा रहने दो, और क्योंकि अब ऊंचाई पे भी दीवार उठाना है तो ऊंचाई का सेटअप करना पड़ेगा पहले, और कुछ चीज़ ऊँचा करना पड़ेगा उसके बाद ही जाके वहाँ काम हो पाएगा, तो मैंने ही मना कर दिया था। तो अब काम बंद हो गया है और अब नहाना धोना करेंगे और खाना पीना होगा। दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग।